कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों के कारण हो रही मृत्यु की डेड ऑडिट संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर आयुक्त न्यायिक, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, WHO के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि प्रत्येक मृत्यु की अनिवार्य रूप से डेड ऑडिट किया जाए तथा यह जानने का प्रयास किया जाए कि लापरवाही किस स्तर से हुई है और उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि जैसे हमें अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर दुख होता है, उसी प्रकार आम जन को भी अपने सदस्यों को खोने का दुख होता है। इसलिए अधिक से अधिक जांच कर लोगों के जीवन की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि शासनादेश के अनुसार आउटसोर्सिंग पर लैब टेक्नीशियन को नियुक्त कर अधिक से अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की जाए। आपने संख्या जो बताई थी वो ठीक नहीं थी। संख्या हम लोग दिखा रहे थे जिनकी लाइन लिस्टिंग पोर्टल में है, दो कल वाली थी और ये एक साई साहब की भी जुड़ गई, चढ़ गया। साई साहब की वो पीजे में डेथ हो गई, फ्लू को बच्चा था लेके वो पहुंच गया वहां। सर ये अग्रवाल जी बताएं कितनी डेथ को आप देख पाए, दो चार दिन का? अभी सर कल 5:30 बजे हम लोग बैठक की थी तीनों लोग, 5 सूचनाएं अपनी सूचनाएं आई तो सबको पानी पलट के देखेंगे। दूसरा पान मिला था किसी एक से कंपनी ने मुझे हस्ताक्षर से किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने सबको वक्त लिखा कि आज बैठक में सीमो साहब को अलग से लिखा, ये बैठक में लेके आइएगा पूरा लिया बी आर डी। लेकिन सीमो साहब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डेथ क्यों हो गई, हमारी गलती क्या हो रही है? आपको बहुत व्यस्त है मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहा जाए, मैं पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जैसे ये बहुत किसकी डेथ का केस है जो सबसे पहले? नहीं, नाम क्या है? सोना देवी, सोना देवी सर हमारा ये 60 साल की मेल सूरज प्रशांत। अब देखिए सर, हम भेजते भी नहीं थे कि किसके द्वारा रेफर किया गया, कई बजे रेफर किया, वही छूटा हुआ। हाँ, वो तो आपको लाना पड़ेगा जी वो। लेकिन क्या हो रहा है सीएम साहब, क्योंकि हम ये पूछ ही रहे हैं, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब हम पूछना शुरू करेंगे तो तब ध्यान देंगे। इसलिए ये